नाम दिशा है मैं सर के साथ पिछले छह महीने से एड हूँ और मैं सर के साथ जो मास्टर कोर्स था न्यूमरोलॉजी का टीटीसी का कोर्स था उसमें मैंने ज्वाइन किया था आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स सर का उन्होंने मुझे, मुझे मौका दिया तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार न्यूमरोलॉजी जिसे हम व्हीकल न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं व्हीकल माने जो भी आपके व्हीकल्स हैं और जैसे कार है स्कूटी है बाइक है आप उसके नंबर को कैसे जज करें क्या नंबर यूनिवर्सल है क्या रेमेडीज है या जो है उनको कैसे रेमेडी से आप सही कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं तो जैसा कि मैंने कहा सुरेन जी आप अपना म्यूट कर लीजिए यहाँ पे फोर व्हीकल है टू व्हीकल है और न्यूमरोलॉजी है ठीक है टू व्हीकल की न्यूमरोलॉजी है तो अब नेक्स्ट है कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो कब खरीदना चाहिए हाँ जी तो मेरा कहना ये था कि जब हम कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं चाहे वो कार हो चाहे वो मोटरसाइकिल हो या स्कूटी हो तो हम पहले ये सोचते हैं कि हम उसे खरीदे कब तो कुछ लोग अपना पंडित से पूछते हैं कर्मकांडी पंडित से निकालते हैं तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि हम जब भी अपना व्हीकिल खरीदेंगे तो वो राहु काल में नहीं होना चाहिए ठीक है चाहे वो कार हो बाइक हो स्कूटी हो हमें उसे राहु काल में नहीं खरीदना है ठीक है अब हम नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम किस नंबर पे खरीदेंगे और हमें उसे कैलकुलेट कैसे करना है ठीक है तो अब हम आते हैं कि हमें नंबर जो हमारे पास कार ऑलरेडी है या बाइक है उसके नंबर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मैंने नंबर लिखा हुआ है पहले इंडिया का आई एन डी है फिर एच आर है फिर टू सिक्स डी क्यू उसके बाद लिखा हुआ है फाइव फाइव वन तो जो एच आर टू सिक्स डी क्यू है वो एक सीरीज चलती आ रही है जो बहुत लोगों के पास आपको मिलेगी ठीक है लेकिन ये जो ट्रिपल फाइव वन कैलकुलेट करते हैं इसी नंबर से कैलकुलेट करके हम कार न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को रखते हैं तो मतलब है कि जो हमारे मेन नंबर है वो लास्ट के चार नंबर है जैसे फाइव फाइव वन अब हम इनको एड करते हैं आपने एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फाइव फाइव वन लिया है उसको एड किया है जब हमने इसे एड किया तो उसमें नंबर आया ठीक है 16 को जब हम सिंगल डिजिट पे लेके गए तो उसका सम आया सेवन ठीक है तो इस कार का जो भी कैलकुलेट मैंने नंबर किया वो आया उसका सम सेवन ठीक है तो आपके घर में अगर आपके पास बाइक है कार है या स्कूटी है तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो और अपने अपना नंबर निकाल सकते हो देख सकते हो कि आपका सम क्या है ठीक है अब ये जो सम आया हुआ है ना इसका अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है और इसको क्यों रखते हैं कौन क्या नंबर ले रख सकता है किसको क्या नहीं लेना चाहिए वो डिस्कशन हम अब नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे ठीक है अब आते हैं हम सम कार नंबर्स जैसे कि आपने पीछे देखा कि किसी का सम सेवन आ रहा था इसी तरह हमें किस पे क्या आना चाहिए किस सम को कहा रखना चाहिए किसको क्या लेना चाहिए उस बारे में डिस्कस करेंगे तो पहली लाइन लिखी है व्हीकल्स जो भी हम यूज करते हैं पर्सनल जो भी पर्सनल यूज के लिए हम व्हीकल्स खरीदते हैं चाहे वो कार हो बाइक हो स्कूटी हो उनको हम कभी भी उनका सम एट और फोर पे नहीं रखते हैं। क्योंकि एट और फोर के अपने अलग मीन्स हैं और एट और फोर को किसी भी पर्सनल वेकिल के लिए हम नंबर नहीं चूज करेंगे अगर आपका है तो उसके लिए आगे रेमेडी है उसके लिए चिंता मत कीजिए और कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जहां पे हम एट और फोर रख भी सकते हैं तो वो आपको आगे पता चलेगा ठीक है अब हम आते हैं यूनिवर्सल नंबर्स पे यूनिवर्सल वो नंबर होते हैं कि जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है ज्योतिष नहीं आती है तो वो बिचारे क्या करें तो वो बिचारे वन थ्री फाइव सिक्स इन पे ले जा सकते हैं अपना नंबर ठीक है जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए एक यूनिवर्सल नंबर बनाया गया है वो है वन थ्री फाइव सिक्स बट जब कंसल्टेंसी आएगी या आपको थोड़ा भी न्यूमरोलॉजी आएगा तो आपको एंटीज पता होंगे और उसके साथ साथ आपको रिपीटेशन का मतलब भी पता होगा ठीक है अब उन सब को ध्यान में रखते हुए ही हम इन सम्स को पढ़ेंगे ठीक है तो पहला सम आएगा हमारा वन जो जिसका भी सम नंबर उन चार आखिरी नंबर का जिनका भी सम नंबर वन आता है वो पर्सनल और प्रोफेशनल यानी कमर्शियल यूज के लिए अच्छा होता है लेकिन अगर आपका वन आपके ग्रिड में यानी कि लोशु ग्रिड में तीन बार से ज्यादा की रिपीटेशन में है बैलेंस नहीं है तो वन मत लीजिए ठीक है अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर वन ना ले तो हम क्या लें? तो वन का सपोर्टिंग नंबर थ्री ले सकते हैं ठीक है पर्सनल यूज के लिए क्योंकि वो फैमिली को सपोर्ट करता है ठीक है अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर एट है ठीक है ड्राइवर है या कंडक्टर है वो एट पे है तो आप सबको पता है कि एट शनि का नंबर होता है और वो सूर्य का एंटी होता है इसलिए हम कभी भी ऐसे ड्राइवर कंडक्टर का सम वन नहीं देंगे ठीक है अब आता है आपका सम नंबर टू सम नंबर टू माने कार का या फिर व्हीकल का जो लास्ट नंबर है उसका सम अगर टू आए तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप यूनिवर्सली अगर किसी का टू आ रहा है या आपको अपनी कार खरीदने जा रहे हैं और उसका सम टू आया है तो आप उसको अवॉइड करें फिर चाहे वो पर्सनल हो या वो प्रोफेशनल हो या कमर्शियल ठीक है क्योंकि वो आपको सपोर्ट नहीं करता है आप जानते हैं वो चंद्रमा है अप्स एंड डाउन वगैरह उसमें स्ट्रगल रहता है बट अगर आपकी लोशो ग्रिड में फोर है फाइव है एट है और सिक्स है तब आप सम दो पे ले जा सकते हैं ठीक है अगर आपकी लोशु ग्रिड में फोर है फाइव है एट है सिक्स है तो आप दो सम का यूज कर सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि आप सबको पता है कि फोर फाइव सिक्स एक राजयोग बनाता है आपकी ग्रेड में फोर फाइव एट सिक्स है और सम टू है तो वो अच्छा है अगर नहीं है इसमें से एक भी नंबर आपका ऊपर नीचे है तो दो लेने की जरूरत नहीं दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं। यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं